तो दिन की शुरुआत हुई कली माता मंदिर से, जहां पर अपने छोटे भाई शुभम रजक एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और इसमें श्री रामलला सरकार जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम छोटे भाई, और इन्होंने मुझे बुलाया मंदिर में कुछ डेकोरेशन करने के लिए। तो इसके बाद मैं पहुंचा मूर्तियों के लिए पोशाक लेने अपने सेठ हिमांशु जैन की दुकान। यहां से बढ़िया से भगवान के लिए वस्त्र लिए। इसके बाद नल आए तो मैंने अपनी छम्मक छल्लो को अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से नहला दिया और साथ साथ मोबाइल को भी नहला दिया। भाई तुमसे ज्यादा तुम्हारी गाड़ी नहा लेती यार, सही पकड़े हैं। इसके बाद मैंने सोचा गणेश जी की पेंटिंग बनाई जाए, तो मुझे स्केचबुक की जरूरत पड़ी। तो मैं पहुंचा अपने ही मोहल्ले की दुकान मुकेश कंप्यूटर एंड स्टेशनरी पर। यहां से मैंने स्केचबुक खरीदी। यहां से नजर पड़ी इस पोस्टर पर, जहां स्टूडेंट्स के लिए कॉपी रजिस्टर पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। और रोड बनते देखने में कितना मजा आता है, आप आयुष और साहिल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें से एक तो ड्यूटी छोड़कर रोड देख रहा है। इसके बाद घर आकर गणेश जी की बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, और इसमें भी मैंने एक्रिलिक कलर का यूज किया है, पता है आगे बोल। तो पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी। इसके बाद मैं पहुंचा मौजानंद आश्रम। यहां से अपने दादा का आशीर्वाद लिया, और आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, तो रात के 12 बजे करीब कानों में हेडफोन फंसा के मैंने छत पे घूम लिया। और सुबह से फिर पहुंचा मंदिर, तो शुभम के जीजा जी बहुत ही लगन से अपना दायित्व निभा रहे थे। आज हुई मंदिर में राम दरबार की स्थापना, तो कथा हुई, बढ़िया पूजन हुआ, और इसके बाद बढ़िया सा भंडारा हुआ जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।